हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में साधु संतों को देखने का क्या मतलब होता है, क्या फल प्राप्त होता है, नेक इंसान को सपने में देखने का क्या फल होगा, क्या अर्थ होगा, या साधु संत स्वभाव की महिला को देखने का क्या फल प्राप्त होगा। तो सारी अवस्थाओं के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल ऑप्शन को भी प्रेस करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मित्रों, बात करते हैं स्वप्न फल के बारे में। यदि आप सपने में किसी भी तरह के साधु संत को, सन्यासी को, या किसी ऐसे नेक महिला को, या धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुषों को आप स्वप्न में देखते हैं जो धर्म का आचरण करते हुए समाज सेवा में जिनका अधिक मन लगा रहता हो, जो हमेशा ईश्वर की भजन भजन कीर्तन में अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हों, ऐसी व्यक्तियों को स्वप्न में देखना बहुत अच्छा और शुभ सपना होता है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको कोई उपदेश दे रहा हो, कोई सुझाव दे रहा हो, तो ऐसा सुझाव आपके लिए शत प्रतिशत सत्य होता है। तो कोई भी वृद्ध पुरुष या कोई साधु संन्यासी या कोई साधु महात्मा या कोई युग पुरुष या धर्मात्मा या कोई नेक इंसान या कोई महिला आपको उपदेश दे रही हो या आप उससे आशीर्वाद ले रहे हो, तो समझ जाइए आपके तीनों में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो शीघ्र समाप्त होंगी और आपकी निरंतर उन्नति प्रगति होने का संकेत है। तो यह बेहद शुभ और अच्छा सपना होता है। यदि आप साधु संत को किसी मंदिर में देख रहे हैं या किसी पुजारी को देख रहे हैं, तो मंदिर में साधु संतों का देखना शुभ नहीं माना जाता है। ये आपके आने वाले दिनों में किसी संकट का संकेत होता है। मंदिर में सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन करना ही शुभ होता है। यदि आप किसी महापुरुष, किसी साधु संत के मंदिर में गए हैं, तभी उस साधु संत के दर्शन करना उचित होता है, परंतु अन्य किसी देवी देवता के मंदिर में किसी भी साधु संत को देखना उचित नहीं होता है, आपके लिए अनुचित परिणाम देता है। स्वप्न में यदि आप साधु संत को बीमार अवस्था में देखते हैं कि किसी भी अवस्था में दुखी, परेशान अवस्था में देख रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आने वाले दिनों में किसी बड़े संकट की ओर संकेत करता है। और यदि आप सपने में किसी भी साधु संत को स्वयं पर कुपित देख रहे हैं कि क्रोधवश वह आपको प्रताड़ना दे रहा है, दुखी परेशान कर रहा है, आप उसे डरकर भाग रहे हैं, तो सारी अवस्थाएं आपको निश्चित किसी बड़े संकट में डालती हैं और आपको काफ़ी नुकसान होने का संकेत होता है। और यदि आप सपने में किसी भी साधु संत, महात्मा या महिला की स्वप्न में सहायता करते दिखाई दे रहे हैं, उसे कुछ प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं या उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छा शुभ सपना होता है। आपको जिस कार्य में आप अपना मन लगा रहे हैं, उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। यह आपके दीर्घायु होने और हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकेत होता है। स्वप्न में यदि आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं या किसी दुविधा में फंसे हुए हैं और किसी साधु संत के दर्शन करते हैं, तो समझ जाइए कि आने वाले दिनों में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। ये बेहद अच्छा शुभ सपना होता है। सपने में मंदिर आदि के दर्शन करना या किसी ऐसे बड़े महात्मा के दर्शन करना या स्वयं अपने गुरु के दर्शन करना या स्वयं अपने माता पिता के दर्शन करना, ये बेहद अच्छे और शुभ परिणाम देने वाले स्वप्न होते हैं। तो मैंने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी, आप हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्र।